एजुकेशन सिस्टम बेहतर किवें बन सकता है जब तक साडे एने मुद्दे अनसॉल्व पे ने, पेंडिंग पे ने। और जे तुसी देखना होवे कि एजुकेशन सिस्टम ते टीचर दी हालत है किसी भी पद्धर ते उन्हां नूं उन्हां दे हक नहीं मिल रहे। हक की नहीं मिल रहे, जेकर टीईटी करके क्वालिफाइड टीचर बैठे ने स्कूल लैवल ते उन्हां नूं जॉब्स पूरियां नहीं दित्तियां जांदियां, जेकर मिलदियां हन ते अनेक अजिहे संघर्ष करके, तरले करके, मिन्नतां करके, और उस तो बाद मिलदी भी है तां टैंपरेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस ते, जिस ते उन्हां नूं पूरी सैलरी नहीं मिलदी। जेकर उन्हां नूं टैंपरेरी तो परमानेंट किन्ने चिर बाद कीता भी जांदा है तां उन्हां नूं फिर भी पूरे अलाउंस बेनीफिट नहीं मिलते। हायर एजुकेशन च देख लो, कॉलेज ते यूनिवर्सिटी दे जिहड़े गवर्नमेंट टीचर ने उन्हां नूं सेवंथ पे कमीशन दा मुद्दा है। एजुकेशन सिस्टम ते टीचर दी माड़ी हालत ते शोषण दे मैं तीन फैक्टर गिणदा हां। पहला फैक्टर है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन विच वध कम लिया जांदा है, सैलरी थोड़ी दित्ती जांदी है। असीं जाणदे हां स्कूल लैवल ते, कॉलेज लैवल ते, यूनिवर्सिटी लैवल ते की हुंदा है। दूसरा फैक्टर है सरकार जो पॉलिसी गलत बनाती है, जो पॉलिसी विकास लिए बनाती है, अपने विकास लिए पॉलिसी बनाती है, ना कि लोगों के विकास लिए। तीसरा गद्दार, गद्दार सरकार विच भी हो सकता है ते प्राइवेटाइजेशन दे विच भी हो सकता है। अच्छा, गद्दार कौन है? जिसका विचार कोई होर है, थिंकिंग प्रोसेस कुछ होर है, ते उसके एक्शन कुछ होर ने, वादे कुछ किए जाते हैं निभाए कदे भी नहीं जाते। सो अच्छा, नॉर्मली प्राइवेटाइजेशन अलग रूप विच शोषण करती है, इंडिपेंडेंट टीचर का शोषण करती है, गवर्नमेंट अलग रूप विच पॉलिसी बना के शोषण करती है, गद्दार अलग रूप विच शोषण करते हैं। पर जेकर ए आपस विच मिल जान, प्राइवेटाइजेशन प्लस गवर्नमेंट प्लस गद्दार आपस विच मिल जान, तां कितनी खतरनाक पॉलिसियां बनदियां हन, साडा शोषण किस तरह हुंदा है, अपना विकास हुंदा है, साडा नाश हुंदा है। इन्हें संघर्ष के बावजूद भी सेवंथ पे कमीशन लागू नहीं होया। गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे अध्यापकों का यह कहना है कि प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मालकां ने सरकार नाल मिलके सेवंथ पे कमीशन लागू नहीं हो दिता गया। यह भी कहा जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने मिलके सरकार को 1000 करोड़ दी राशि दिती है जो सेवंथ पे कमीशन लागू ना किया जाए। इस विच लाभ किसका होया? सरकार दा कि एनी सैलरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दे टीचर्स नूं देनी पैणी सी वह बच रही है। दूसरे पासे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालकां दा जिन्हां नूं टीचर्स नूं सैलरी देनी पैणी सी वह बच रही है। सो नुकसान किसका होया? टीचर्स का, बेशक वह गवर्नमेंट हायर एजुकेशन या प्राइवेट हायर एजुकेशन विच पढ़ा रहे ने। यह बिल्कुल उचित वक्त है कि तुहाडे कोल वोट दी पावर है, जेकर इसका यूज सही करते हो, सही शख्स नूं चुनते हो, गुड नूं चूज करते हो, बैड नूं रिजेक्ट करते हो, किते ए ना होवे कि तुहाडी वोट रिलीजन दे भार हेठा दबके मर जावे, कास्ट दे भार हेठा दबके मर जावे, जां अपनी पार्टी जिस नूं तुसी 20 30 जां 75 सालां तों वोट पाउंदे आए हो उस नाल चिपक के खत्म हो जाए। जेड़ी सरकार अध्यापकां दे हक्कां दी रखवाली नहीं कर सकी, जेड़ी सरकार अध्यापकां नूं न्याय नहीं दे सकी, एजुकेशन सिस्टम नूं उच्चा नहीं कर सकी, आम आदमी एक अच्छी एजुकेशन लै सके इधर नहीं ले जा सकी, उस नूं चुनन दा कोई फायदा नहीं है। ये विचार अज कर लो ते अपनी वोट सही पर्सन नूं पाओ। आप जी दी वोट है, आप नूं ही पौनी चाहिए है।